प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में पेन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत ग्राम पंचायत हदवास में वृहद विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सर्वप्रथम श्रीमती कीर्ति कश्यप द्वितीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति पिपरिया द्वारा महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई एवं उन्होंने बताया कि बाल विवाह जन्म के पूर्व ही बच्चे के भ्रूण की जांच करवाना एवं बच्ची होने पर बच्ची को मार डालना यह अपराध है और ऐसे करने पर दोषी को सजा का प्रावधान है। इसलिए आज के बदले परिवेश के अनुसार लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए, जैसे कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना और रोजगार के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु सहयोग प्रदान करना हर माता पिता का कर्तव्य है। उक्त शिविर में तहसीलदार राजेश बोरासी, जनपद अध्यक्ष श्रीमती अर्चना साहू, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्याम कुमार वर्मा और सचिव अधिवक्ता संघ कमलेश पूर्व्या, साथ ही में अधिवक्ता धर्मेंद्र नागवंशी, सरपंच नरसिंह रावत, सचिव मेहरबान सिंह, रोजगार सहायक योगेश यादव उपस्थित रहे। किसी में कृषि के क्षेत्र में कर्मी महिला है, किसी व्यवसाय के स्तर पर कर्मी महिला है, उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कार्यस्थल पर उनके अनुकूल वातावरण न के कारण महिलाएं बहुत असहज महसूस करती हैं। ये जरूरी नहीं है कि महिला शौक के कारण काम करने जा रही हूँ कार्यस्थल पर, उनके परिवार की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, कार्यस्थल पर जाती है जहाँ उनके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार होता है। इन सब स्थितियों से बचने के लिए भी कानून बनाया गया है ना। उस कानून का नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं का संरक्षण, यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण, रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2003। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत महिलाओं के मौलिक अधिकारों की समानता का मौलिक अधिकार है जो कार्यस्थल पर महिलाओं को प्राप्त होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विशाखा कमेटी के बनाकर महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो उसके लिए गाइडलाइन बनाई है और समितियाँ भी बनी हैं उसी कार्यस्थल पर जहाँ महिला भी कर्मचारी भी अधिकारी भी उनके वरिष्ठ जो रहती हैं उनके माध्यम से अपनी समस्या बता सकते हैं। दूसरी समस्या हमारे देश में बाल विवाह की है, बाल विवाह की कथा है। बाल विवाह तो कानून में निषिद्ध है, अपराध माना जाता है। लोग गरीबी अशिक्षा के कारण हमारे ग्रामीण समाज में, वर्तमान शहरों में तो नहीं है ये प्रथा, पर ग्रामीण समाजों में यही रहता है कि भाई गरीब हैं, अशिक्षित हैं और बाल विवाह बच्चियों का कर दिया जाता है। जबकि वर की आयु आप सभी जानते हैं कि 21 वर्ष है, तो बालिका की आयु 18 वर्ष है। अगर इस निर्धारित उम्र से पहले आप बाल विवाह करते हैं, बच्चे बच्चियों का विवाह करते हैं, तो कानून अपराध है जिसमें सजा का भी प्रावधान है ना। और इसके अलावा आप सभी जानते हैं दहेज एक कुरीति है। दहेज में इतनी दहेज की कुरीति इतनी जड़ उसकी गहरा चुकी है समाज में कि लोग उसको, कई लोग तो लेन देन ऐसा करते हैं कि स्टेटस सिंबल हो गया उनका, क्या हम देंगे मतलब धनाढ्य। वॉइस ऑफ राइट्स की पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।